हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्शद मकवाना और मैं आप सबका स्वागत करता हूं माय न्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सबको बताने वाला हूं बेसिक ड्राइंग के बारे में। बेसिक ड्राइंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं और कितनी आसानी के साथ हम कर सकते हैं बेसिक ड्राइंग। बेसिक सर्कल है, जैसे कि सर्कल है, लाइन्स है, स्क्वायर है, इन सबकी प्रैक्टिस से, इन सबका यूज़ करके कितनी आसानी के साथ हम बना सकते हैं बेसिक ड्राइंग। जैसे कि बेसिक एलिमेंट है, जैसे कि है कोई हाउस है, एलिमेंट्स ट्री है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, उन सबको हम इतनी आसानी के साथ बना सकते हैं इन सब का यूज़ करके, स्क्वायर, सर्कल, लाइंस। पर इन सब का हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी हम बना सकते हैं। तो आइए हम देख सकते हैं कैसे बना रहे। तो अब हम करेंगे बेसिक लाइंस से शुरुआत। ये पेंसिल है, स्टेडलर की पेंसिल है, मैं ज़्यादातर स्टेडलर की पेंसिल ही यूज़ करता हूँ। आपको इतनी महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में कोई भी पेंसिल से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन 4B या 5B या 3B भी, 3B चलेगी, उस पेंसिल से आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत में हमें बेसिक लाइन करनी है, जैसे कि स्ट्रोक देने हैं, ऐसे। जब पहले पहले आप कर रहे हो तब आपको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना आपके लिए अच्छा है। फिर पहले आपको ऐसे करना है, फिर बाद में ऐसे करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी आपको फ़ायदा होगा। फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। और जो हैंड है, जो लास्ट हम अपनी फिंगर है, उसको ही टच करने देने, और थोड़ा सा ही टच करना है, जैसे कि पूरा हाथ आपका बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पेपर के ऊपर ऐसे ही घिसो, ऐसे करेंगे ना तो क्या है ना, पूरा पेपर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो पूरा पेपर है जो थोड़ा डार्क डार्क हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है ड्राइंग के लिए। और ये दोनों करने के बाद आपको सर्कल करना है। सर्कल पहले तो आप ऐसे सर्कल कर, ऐसे, तो ऐसा दोनों पॉइंट है ना वो मिलना ज़रूरी है। तो पहले ही तो एकदम से तो आपका नहीं होएगा, तो क्या करना है आपको, बार बार ऐसे पहले हाथ को घुमाना है, ऐसे लास्ट फिंगर जो मैंने बोली वो आप थोड़ी सी स्लाइड सी टच होनी चाहिए पेपर पर, ये ऐसे ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे करना है, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, के ऊपर एक, के ऊपर एक, के ऊपर एक करते जाना है। फिर से दूसरा करना है, पहले इस डायरेक्शन में करना है, फिर इस डायरेक्शन में करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो हैंड है वो काफ़ी फ्री हो जाएगा। जो पहले आप करते हैं लाइन करते हैं, जो हम कभी किसी ड्राइंग करते हैं तो ऐसे लाइन करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसा नहीं करना है, ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। आप ऐसे करेंगे ऐसे 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 तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। एक जहाँ से शुरू की है वहाँ लास्ट में ऐसे ही चली जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करने हैं कम से कम 50 या 100 बार, जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो पहले मैंने ये बोला, फिर पहले ऐसे कर, इस तरफ से लाइन करना है, फिर इस तरफ से लाइन करना है, ये भी 50 से 100 बार करना है, ये भी 50 से 100 बार करना है। सर्कल भी पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे भी ऐसे करना है। इसके लिए आप रफ पेपर का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी सारा पेपर यूज़ होगा। तो क्या है ना, आपको कोई महंगा पेपर यूज़ करेंगे तो अच्छा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए तो फिर ठीक है। तो बाद में सर्कल, लाइंस, और उसके बाद क्या करना है आपको, ये ऐसी लाइन करनी है एक पेपर पर क्रॉस में, ऐसे फिर ऐसी लाइन करनी है,
ये भी आपको 50 से 100 बार करनी है, ज़्यादा भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। मैं हर रोज़ ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे करनी है फिर ऐसे करनी है। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि टूटती टूटती फूटती लाइन चलनी जाए, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट। जी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका काम इम्प्रूव होता जाएगा। अब क्या करना है आपको, ऐसे करना है, ऐसे 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 पूरा लाए पेपर से यहाँ से लेके वहाँ तक करना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करना है आपको। इससे क्या होगा, आपका हाथ है जो वो कांपता है, कई बार ड्राइंग करते समय कांपता है हमारा ड्राइंग हाथ, तो वो कांपेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद है ये वाला, ऐसे 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 ऐसे, ये भी ऐसे पूरा पेज भरना है। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा किया फिर ऐसा किया फिर ऐसा किया फिर ऐसा किया फिर ऐसा, ऐसा नहीं करना है। एक बार जब पहले सारी अभी तक जो हमें आपने वीडियो में तो लास्ट में जब खत्म होगा प्रैक्टिस तक आपको रेगुलरली करनी है, तभी आपका ड्राइंग इम्प्रूव हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ओके थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई वीडियो।